प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाल अमल है। सब बहनें भी कर सकती हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं, अपनी जो हैं बहनें अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं, शोहरों के लिए कर सकती हैं, और भाई अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं। जायज़ काम के लिए ये अमल कर वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं जो हुक्म अल्लाह से, अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो वो शादी करना चाहते हैं, निकाह की उनको ख्वाहिश है, कि तौबा नौज़ुबिल्लाह कोई उन्होंने गलत ना किया हो या कोई हराम काम ना किया हो, तो वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं। ये अमल बहुत लाजवाल है, इसकी कदर जानिएगा। वो लोग इस अमल से या इस वजीफे से दूर रहें जो इसको नहीं समझ पा रहे और जो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इससे दूर रहें। अगर ये अमल आप तरीके से कर लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आपका कोई दोस्त, अहबाब, कोई प्यारा आपसे दूर जा चुका है, वो फौरन हाजिर होगा। अगर किसी के मियाँ हैं या हस्बैंड है या शोहर है, वो नाराज हो गए, फौरन हाजिर हो जाएंगे। अगर कोई बहन है या कोई भाई है, कोई वालद है, वालदा है, वो आपसे दूर है, नाराज है, वो भी हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ये वजीफा ऐसा है, ये वजीफा क्या एक तलवार की तरह इतनी तेजी से काम करता है, ठीक है, इतनी इसकी ताकत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप तरीके से इस वजीफे को करते हैं तो इससे बड़ा मेरे नजदीक कोई वजीफा नहीं है। चलिए आज मैं आपको इसका तरीका बताने लगी हूँ। वजीफे के करने की भी कोई टाइम होता है, कोई तरीका होता है। हर वजीफे को इतना आसान और इतना ईजी ना मतलब के लिए करें, तरीके से अगर आप वजीफा करते हैं तो यकीन माने कि इंसान, हर परिंद चरिंद, हर चीज को मुसख़र कर सकता है। अगर वो आज मैं तस्खीरे जो है प्यारों का अमल बताने लगी हूँ कि अपने प्यारों को कैसे तस्खीर किया जाता है। अगर आप किसी से दिली लगाव रखते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं, और वो आपसे बहुत संगदिली या बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत बुरा बिहेव करता है, या आपके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, या आपकी वो बात नहीं मानता, पहले वो ठीक था और एकदम से उसने अपना रुख बदल लिया, या वो आपसे नफरत करने लगा, या आपकी किसी कोई बात उसको बुरी लगी, आप उसके दिल से ये बात निकलाना चाहते हैं, या आप उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, या आप उससे निकाह के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपने ये अमल करना है। और गलत काम के लिए ये अमल नहीं करें, हराम मकसद के लिए। मैं आपको पहले कहूंगी, इसके जो कि नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद खुद होंगे। अगर आपने अमल करना है तो फिर तरीके से अमल करें। तरीका अमल ये है, जुमेरात वाले दिन आपने ये अमल शुरू करना है। सबसे पहले अव्वल गुसल कीजिएगा, वुजू कीजिएगा, ठीक है, गुसल के बाद भी वुजू कीजिएगा। एक प्याला पानी लेकर इसमें थोड़ा सा अरके गुलाब मिला लें, और अमल को असर के वक्त खाना का बरुख बैठ कर आपने करना है। आंखें आपने बंद करनी है, अपने प्यारों का आपने तसव्वुर करना है, जिसको आप हाजिर करना चाहते हैं, जिसको आप अपने जहन को सिर्फ अपने उस वजीफे की तरफ रखें। 1000 मरतबा आपने पढ़ना क्या है, 1000 मरतबा आपने पढ़ना है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अल्लाहु समद आप पढ़ेंगे। इसके बाद पानी के ऊपर आप दम करेंगे, पानी के ऊपर दम करके वो पानी आप पी लें, आपने पीना है वो पानी। इंशाल्लाह एक दिन में ही, अगर आपकी लगन सच्ची है ना, वो मतलूब जिसको आप तलब कर रहे हैं, जिसको आप जिस प्यारे को अपने वो बुलाना चाहते हैं, वो हासिल हो जाएगा एक दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी पावर है। एक दिन में हाजिर ना हो तो यह अमल 3 दिन करना है, नागा नहीं होने देना, टाइम का ख्याल रखना है, ठीक है। दिन तो चलो कोई नहीं, दिन तो आप जुमेरात को शुरू कर दें, शुरुआत हो जाए, बाकी आप नागा नहीं करेंगे। 3 दिन से 7 दिन तक का यह अमल है, और 7 दिन में 3 दिन में हाजिर होगा, 4 दिन में 5 दिन में, 7वें दिन इंशाल्लाह हाजिर हो जाएगा। अगर आपकी सच्ची लगन है इस विर्द को करते हुए, अपने जहन को बिल्कुल साफ करके आपने ये विर्द करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जो आपका मकसद है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको आपकी सोच है कि ये कितना काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, अगर आप इसको
ये सोचते हैं कि हम आजमाएंगे तो तौबा नौज़ुबिल्लाह, ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह के कलाम को पुकारना नहीं चाहिए, ठीक है, ये गुनाह। बल्कि आप तो अक्ल रख के मजबूती अमल करें इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहन है उसके शोहर नाराज है वो भी कर सकती है, कोई भाई है उसकी बीवी नाराज है वो भी, तो अक्ल मजबूत रखें। मेरा काम है आप तक इल्म पहुंचाना, तो कल मजबूत अपने रब पे रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अमल पसंद आता है तो लोगों तक ये शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ये आपके ऊपर छोड़ती है। ये बहन आपके ऊपर अपने जो ये वाला काम है शेयर करने का, वो मैंने आपको दिया है। आप अपने चैनल को या अपनी बहन की इस वीडियो को कितना बुलंद करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।